hello everyone so uh, today here we will discuss about the intravenous infusion and cannulation okay so intravenous infusion and cannulation are the most commonly used intravenous devices in the hospitalized patient they are primarily used for therapeutic purpose such as uh, administration of medications Fluid or blood product, as well as blood sampling. So, uh, the aim of intravenous management is safe, effective delivery of treatment without discomfort or tissue damage and without compromising venous access, especially if long term therapy is proposed. So, uh, एन इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूड इंटू द बॉडी वाय वीनस इज कॉल्ड इंट्रावीनस फ्लूड ओके जब हमें लार्ज अमाउंट में पेशेंट को फ्लूड देना होता है तो देन हम क्या करते हैं थ्रू द इंट्रावीनस इंफ्यूजन्स क्या करते हैं उसको इन्फ्यूज करते हैं ओके सो इंट्रावीनस इन्फ्लूज इज द पंक्चरिंग द वेन विद स्टराइल कैनुला निडल इंटू अ वेन टू सप्लाई द बॉडी विथ फ्लूड्स इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रिय एंड मेडिकेशंस ओके सो कैनुला एंड कैनुलाइजेशन अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कैनुला कैनोला और उसको क्या करना देट इज कैनुलाइजेशन इज अ प्रोसीजर ओके सो वट आर द पर्पज ऑफ द पर्पज इज आर टू सप्लाई द फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स to restore the fluid volume due to dehydration, hemorrhage, vomiting, and diarrhea, and to meet the patient basis requirement, for example, calories, vitamins, etc., or to maintain the hemostasis balance, and to treat in emergency condition, some medication are given intravenously.

करते हैं एंड टू इंट्रोड्यूस अ ड्रग इन टू द सर्कुलेशन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज एग्जाम्पल इंट्रावीनस पायलोग्राम एंड टू सप्लाई द फ्लूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू द पेशेंट हु आर अनेबल टू डाइजेस्ट और एब्जॉर्व अ डाइट एडमिनिस्ट्रेटेड माउथ और थ्रू नेजर ट्यूब ओके जो पेशेंट क्या होते जिनको डाइजेशन नहीं हो पाते जो ओरली नहीं ले पाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं आई वी फ्लूड्स प्रोवाइड करते हैं ओके एंड टू डाइल्यूट द टॉक्सिन्स इन केस ऑफ टॉक्सीमिया एंड सेप्टीसीमिया ओके इफ देयर इज एनी टॉक्सीमिया और सेप्टीसीमिया दैन वी विल गिव इंटरावीनस फ्लू टू द पेशेंट और इफ द वैन द ब्लड प्रोडक्ट आर टू बी गिवन मीन्स इफ द पेशेंट इज हैविंग एनीमिया हेमरेज दैन वी विल ट्रांसफ्यूज द ब्लड स कंडीशन वी विल गिव द इंटरा विनस फ्लूड टू द पेशेंट ओके सो देर आर समेज तो एडवांटेज जो आपका इंट्रावीनस फ्लूड होता है वो क्या करता है आपका इमिडिएट इफेक्ट करता है राधर दन अगर आप क्या ले रहे हो औरली मेडिकेशन ले रहे हो ओके एंड इट्स कंट्रोल ओवर द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेशेंट कैन नाट टॉलरेट ड्रग फ्लूड औरली ओके एंड सम ड्रग्स कैन नॉट बी एब्सॉर्ब बाय एनी अदर रूट देन वी प्रोवाइड द इंट्रावीनस फ्लूड टू द पेशेंट और पेन एंड इरिटेशन इज अवॉयडिड कम्पेयर टू समन सबक्यूटेनियस और इंट्रामरी ओके जो आपका इंट्रावीनस रूट होता है इट इज द फास्टर वे टू डिलीवर मेडिकेशन एंड फ्लूड रिप्लेसमेंट थ्रू आउट द बॉडी बिकॉज They are introduced directly into the circulation and intravenous therapy may be used for fluid volume replacement and to correct the electrolyte imbalance and to deliver the medication and for blood transfusion. Okay, so uh, there are some common sites of IV cannula, uh, basilic vein, cephalic vein, and the dorsal metacarpal. Vein, okay, so you can see here this is a basilic vein, cephalic. Okay, so you have to identify a suitable vein. Uh, the in this procedure, which materials are used like sterile gloves, okay, IV cannula, tourniquet, cotton swab, adhesive tape sprit iv stand iv tubing kidney tray to discard the waste material scissor equipment uh, same non sterile gloves you can use this is the tourniquet antiseptic white wipes and फाइव एम एल सरेंच स्ट्राइल गॉस एंड कैनुला सेलाइन एंड एडिसिव प्लास्टर एडिसिव प्लास्टर का क्या यूज़ है आपका ये जब आप कैनुला इंसर्ट uh, करते हो दैन उसको क्या करने के लिए फ़िक्स करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एडिसिव टेप का यूज़ करते हैं और जो टर्निक्विट है टर्निक्विट का क्या यूज़ है आपका ये टर्निक्विट इज अ डिवाइस विच अप्लाई द प्रेशर टू अ लिम और एक्सट्रीमिटी इन ऑर्डर टू लिमिट बट नॉट स्टॉप ओके द फ्लो ऑफ ब्लड इट मे बी यूज इन एमरजेंसी ओके सो दीज आर द इक्वमेंट्स स्टराइल गॉज वी विल यूज फाइव एम एल सरिंज क्यों यूज़ करते हैं हम जब हम कैनुला इंसर्ट uh, करते हैं देन हम क्या करते हैं जो सरिंज है सरिंज में हम सेलाइन uh, वो करते हैं देन सेलाइन पुश करते हैं हम कैनुला में कि ये आपका प्रॉपर पोजिशन में है या कोई थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा है वहाँ पर ओके सो दीज आर ऑल्सो एक्यूपमेंट सरिंज गॉज एल्कोहल वाइप टेप लोकल एनेस्थेटिक ड्रेसिंग थ्री वे टेप ऑफ एक्सटेंशन देन बिफोर द प्रोसीजर वी विल प्रिपेयर सो प्रिपरेशन सबसे पहले हम क्या करेंगे कंसल्ट विद द पेशेंट पेशेंट से क्या करना है हमें कंसल्ट करना है देन हमें क्या करना है प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है कि हम कौन सा प्रोसीजर्स कर रहे हैं द राइट ऑफ पेशेंट सो गेन कंसर्न कंसर्न फॉर्म फिल करना है देन हम क्या करेंगे पोजिशन देंगे पेशेंट को एप्रोप्रिएटली एंड आइडेंटिफाई द नॉन डोमिनेंट हैंड और आर्म एंड सपोर्ट आर्म ऑन पिलो और इन द अदर सुटेबल मैनर एंड चेक फॉर एनी कॉन्ट्रा इंडिकेशन लाइक एनी इन्फेक्शन डैमेज टिशू एविफिस्टूला एक्सेट्रा ओके तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है चेक करनी है बिफोर द कैनोलाइजेशन जब हम प्रिपरेशन करेंगे नेक्स्ट इज द वट आर द साइन ऑफ अ गुड वेन बाउंसी सॉफ्ट होना चाहिए आपका अबाव प्रीवियस साइट्स रिफिल्स वेन डिप्रेस्ड विजिबल हैज अ लार्ज ल्यूमन होता है आपको वेल सपोर्टेड स्ट्रेट एंड इजीली पेलपेपल दीज आर साइन ऑफ गुड वेन द नेक्स्ट इज बिफोर द प्रोसीजर so uh, we have already explained first, first of all you have to introduce yourself to the patient and explain the procedure to the patient and gain informed consent to continue okay and make sure there is adequate light and that the room is warm enough to encourage the vasodilation and make sure the patient is a comfortable position ओके okay, पेशेंट को क्या होना चाहिए कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए एंड प्लेस अ पिलो और अ रोल टाल अंडर द पेशेंट एक्सटेंडेड आर्म एंड द पेशेंट स्किन शुड बी वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर इफ विजिबली डर्टी ओके वो जो आपका एल्कोहल स्वैब हो आप यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए स्किन को वॉश करने के लिए और क्लीन करने के लिए एंड

साइट एंड अप्लाइंग हीट वॉर्म टावल एंड पैक इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी ओके सो देन वी विल स्टार्ट द प्रोसीजर तो देअर आर सम टेक्निक्स देन फर्स्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वट यू विल डू अप्लाई द टर्निक्विट एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट साइट ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है टर्न अप्लाई करना है देन आपको क्या करनी है सेलेक्ट करनी है अप्रोप्रिएट वेन ओके जो आपका टर्न होता है ये क्या करता है आपका कंस्ट्रिक्टिंग और कंप्रेसिंग डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल वेनस एंड आर्ट्रिय सर्कुलेशन टू एन एक्सट्रीमिटी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ओके देन आप क्या करोगे अप्लाई एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन विथ फ्रिक्शन फॉर थर्टी टू सिक्सटी सेकेंड ओके देन अलाउ टू एयर ड्राई फोर अप एंड वंस क्लीन टू नॉट टच और रीपेल्पेट द स्किन जब आप एक बार उसको क्लीन कर दोगे देन आपको क्या नहीं करना है उसमें टच नहीं करना है एंड देन रिमूव द कैनुला फ्रॉम इट्स पैकिंग एंड रिमूविंग द निडल कवर इंश्योरिंग नॉट टू टच द निडिल Okay and stretch the skin digitally and tell the patient to expect a sharp scratch Okay then insert the needle bevel upward at the th about 30 डिग्री ओके okay. उसके बाद आप क्या करोगे जो निडिल का बेबल पार्ट होता है उसको क्या करोगे इंसर्ट करोगे अपवर्ड एट अबाउट द थर्टी डिग्री देन एडवांस द दे निडिल अनटिल अ फ्लैश बैक ऑफ ब्लड इज सीन इन द हाफ एट द बैक ऑफ द कैनुला ओके ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वह है जैसे आप निडिल इंसर्ट करोगे तो अगर आप फ्लैश बैक करोगे तो उसमें क्या निकलना चाहिए आपका ब्लड अगर ब्लड मींस बैक हो रहा है देन मींस आप क्या कर रहे हो प्रॉपर साइट uh, पे क्या कर रहे हो इंसर्ट कर रहे हो कैनोला ओके okay. अगर आपको एक बार ये दिख गया वंस दिस इज सीन प्रोग्रेस दैन एंटायर इज फॉर द टू एम एम एंड फिक्स द निडल एंड एडवांसिंग द रेस्ट ऑफ द कैनोला इन टू द वेन ओके द नेक्स्ट इज देन इंसर्ट द निडल बेल अपवर्ड हो गया देन रिलीज द टर्न अप्लाई प्रेशर टू द वेन एट द टिप ऑफ द कैनोला एंड रिमूव निडल फुली ओके देन आपको जो ये निडल है वो क्या करनी है रिमूव करनी है एंड द रिमूव द कैप फ्राम द निडल एंड पुट दिस ऑन द एंड ऑफ द कैनोला ओके एंड द केयरफुली डिस्पोज ऑफ द निडल इन टू द शार्प बॉक्स ओके देन आफ्टर दैट आपको क्या करना है चेक द फंक्शन बाई फ्लशिंग विथ सेलाइन सेलाइन का क्या यूज है तो आपका सेलैन का क्या यूज़ है फ्लशिंग एंड इफ देयर इज एनी रेजिस्टेंस एंड इफ द इज एनी पेन और यू नोटिस एनी लोकलाइज टिश्यू स्वेलिंग देन इमिडियटली स्टॉप फ्लशिंग एंड रिमूव द कैनुला एंड स्टार्ट अगेन ओके जब आपने कैनुला इंसर्ट कर दिया दे, देन आप क्या करोगे जो आपका सेलैन है उसको फ्लश करोगे ओके okay, अगर आपको वहाँ पे लगता है कोई स्वेलिंग हो रही है कोई रेडनेस हो रहा है कोई इरिटेशन हो रहा है पेन हो रहा है देन इमिडिएटली आप क्या करोगे कैनोला रिमूव करोगे देन स्टार्ट अगेन दिस प्रोसीजर ओके जब आपका कैनोला इंसल्ट हो गया देन यू विल फिक्स ओके फिक्स विद द प्लास्टर टू द कैनोला एंड टू फिक्स इट इन प्लेस लाइक दिस एडेसिव टेप है इसका क्या यूज़ है अब आपको समझ में आ गया होगा इससे क्या करना है आपको ये फिक्स करने के लिए यूज सो फाइनली एनश्योर दैट द पेशेंट इज़ कम्फर्टेबल एंड थैंक दैम ओके सो दीज आर द प्रोसीजर ऑफ कैनुलेशन द नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस आपने देखा होगा कुछ भी चीज़ करता है तो उसके कॉम्प्लीकेशन भी होते हैं तो कैनुलेशन के कॉम्प्लीकेशंस भी है द फर्स्ट इज आई वी साइड इन्फेक्शन ओके लाइक दिस सो डज नॉट प्रोड्यूज मच इफ एनी पर्सन इंफ्लॉमेशन एट द आई वी साइट दिट इज़ द मोस्ट कैनुला रिलेटेड इन्फेक्शन मे बी द मोस्ट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मीन्स वहाँ पे आई वी साइट इन्फेक्शन हो सकता है आपका सेलुलाइटिस हो सकता है आपका सेलुलाइटिस इज रेड एंड ऑफन टेंडर स्किन सराउंडिंग द साइट ऑफ कैनुला इंसर्शन पस इज रियली डिटेक्टेबल ओके सो दीज आर द कॉम्प्लीकेशंस आपके इन्फिल्ट्रेशन और टिशिंग भी हो सकती है आपकी वहाँ पर थ्रम्बोलिज भी हो सकता है आपका वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन इज अकर वेन द इंफ्यूजन लीक्स इन टू द सराउंडिंग टिशू एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू डिटेक्ट अर्ली एस टिशू नेक्रोसिस गुड एव अकर एंड रीसाइड कैनुला इमिडिएटली आपको क्या कहना है Immediately, आपको क्या करना है चेंज करना है दूसरी साइड पे कैनोला इंसर्ट करनी है एंड इज अकर अ स्मॉल क्लॉट बिकम डिटेस्ड फ्रॉम द सीथ ऑफ द कैनोला और द दसल्स वॉल देन प्रिवेंशन इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस सो प्लस द कैनोला रेगुलरली एंड कंसिडर री सिटिंग द कैनोला इफ एनी प्रोलॉन्ग यूज ओके अगर आपने पेशेंट का कैनोला है मीनस अगर दो तो आपको जब भी आप कोई मेडिकेशन दे रहे हो आपको क्या करना है फ्लश करना है इफ क्यों करना है फ़्लश ताकि हमें देखना को कोई वहाँ पर रेडनेस तो नहीं हो रही है कोई थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा है कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही है ठीक है थीके? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सो दीज सो फ्लेबाइटिस हो सकता है आपका एयर एम्बॉल हो सकता है फ्लेबाइटिस इट इज़ द कॉमन इन आई थेरेपी एंड कैन बी कॉज इन मैनी वेज ओके यह आपका क्या होता फ्लेवाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ वेन दैट इज रेडनेस पेन एट द इन्फ्यूजन साइट जो आपकी इन्फ्यूजन साइट होगी वहाँ पे क्या होगी रेडनेस होगी पेन होगा तो हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इसको वी कैन बी यूजिंग असेप्टिक इंसर्शन टेक्निक चूजिंग द स्मॉलेस्ट गॉस कैनुला पॉसिबल फॉर द प्रिस्क्राइब

so make sure all lines are well primed prior to use and connection are secure so these are the complications of infusions okay the next is intravenous fluid intravenous fluid then some indications is like maintain or replace body store and restore acid base balance

ओके टेक्निक सेम है सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोड्यूस यूर सेल देन चेक द पेशेंट नेम एंड द टाइप ऑफ फ्लूड टू बी गिवन ओके आपको हमेशा चेक करना है आपको कौन सा फ्लूड देना है फॉर एग्जाम्पल आपको एन एस देना है आपको आर एल देना है आपको डी एन एस देना है ओके एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड गेन इनफॉर्म कंसर्न एंड प्रिपेयर यूअर इक्विपमेंट एंड असेंबल द ट्यूबिंग सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन देन सबसे पहले आपको क्या करना है लेट आउट द एयर फ्रॉम द ट्यूबिंग जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि आपको एयर क्या करनी है लेट आउट करना है बाई लेटिंग सम ऑफ द फ्लूट्स रन डाउन द ट्यूबिंग एंड क्लोज द ड्रिप सेट टू प्रिवेंट फ्लूड फ्रॉम फ्लोइंग आउट देन हैंग द बैग इन द ड्रिप स्टैंड ओके लाइक ऐसे आपको क्या करना है हैंग करना है ये आपका क्या है आईवी स्टैंड है या आपका फ्लूड है या आपका क्या है ड्रिप सेट है ओके इन्फ्यूजन सेट देन ओपन द कैनुला जो आपने कैनुला अभी इंसर्ट किया है आपको उसको ओपन करना है एंड कनेक्ट इट टू द ड्रिप ड्रिप से आपको क्या करना है देन कनेक्ट करना है देन एडजस्ट द ड्रिप अकॉर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट डोज जैसे आपको डोज कैल्कुलशन अगर आपको फाइव ड्रॉप मिनट देना है या सिक्सटी ड्रॉप पर मिनट देना है तो अकॉर्डिंग टू ड्रिप आप क्या करोगे एडजस्ट करोगे एंड चेक द रेगुलरली टू सी दैट द फ्लूड इज ड्रिपिंग एट द सेम रेट एंड दैट फ्लूड इज गोइंग टू द वेन प्रॉपरली एंड दैट द पंचर साइट इज़ नॉट swollen. ओके okay? आपको चेक करना ये नहीं है कि आपने एक बार फ्लूड लगा दिया और आप उसको चेक नहीं कर रहे नो no. आपको रेगुलरली चेक करना है कि प्रॉपर अमाउंट में आपका फ्लूड पेशेंट को इनफ्यूज़ हो रहा है ओके okay? सो so,

Okay, hypotonic 0.45% sodium chloride, hypotonic 5% dextrose in NS, 5% dextrose in lactated ringers and the 5% dextrose in 0.45% NS. Okay, and the 10% dextrose in water. These are the crystalloid solution and colitis, albumin, plasma protein fraction, dextrin, heterostase. Okay, these are the types of IV fluids which we provided to the पेशेंट अकॉर्डिंग टू देअर कंडीशन और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ओके आइसोटोनिक हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सो आइसोटोनिक में आपका जीरो पॉइंट नाइन परसेंट सोडियम क्लोराइड आ जाएगा इलेक्टेड रिंगर्स आ जाएगा रिंगर्स सोल्यूशन एंड फाइव परसेंट डेक्सटोज इन वाटर हाइपोटोनिक में क्या आता है आपका जीरो पॉइंट फोर फाइव परसेंट एन ए सी एल जीरो पॉइंट थ्री थ्री परसेंट nacl 0.2% sodium chloride and 2.5% dextrose water these are the hypotonic solution and hypertonic is 3% sodium chloride 5% sodium chloride and 3% sodium chloride or 5% sodium chloride plus dw okay so these are the isotonic hypotonic and hypertonic solution okay after that after completing the procedure you have to document documentation is very important so after the procedure aap kya karoge document karoge procedure including jo bhi date and time okay cannula पे भी जब आप cannula patient को insert करोगे आप में cannula के उसपे भी क्या करना है date and time आपको क्या करना है mention करना है कौन सी date को लगाया और कितने वजहे लगाया site and size of cannula

iv infusion so uh thank you